एज ए प्रोड्यूसर एक मेरे लिए एक बहुत ही मैं इसे कहूँगा इंटरेस्टिंग चैलेंज, क्योंकि जब मैंने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा और हमारी टीम ने रिसर्च भी किया और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आज के अनुयायी जो हैं वो पूरी दुनिया में है। हमारा देश विभिन्न सांस्कृतिक का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, हर एक प्रांतों का देश है, और गुरु रविदास जी के अनुयायी जो है वो हर एक प्रांत पे रहते हैं। तो मेरी चिंता तो आज सिर्फ इस बात की है कि गुरु रविदास जी के माध्यम से मैंने जो ये संदेश इस फिल्म के माध्यम से देने की कोशिश की है कि आज के आज का जो सामाजिक परिवेश है उसमें जो जात पात की जो है बहुत ज़्यादा जो आज भी भावना मानी जाती है, उसको हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि इंसान जो है ना वो सब एक है, कोई कोई जात पात कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ मानव के इंसान के खुद के बनाए हुए हैं, परमात्मा ने तो सबको इंसान ही बना के भेजा है। तो एक चिंता मुझे एक और सताती है इस बात की, जब मैं बात करता हूँ इस बारे में तो कुछ जगह के जो है अनुयायी मुझे इस बात के लिए कई बार मुझे कहा उन्होंने कि आप गुरु रविदास जी को जो है आप क्यों दिखा रहे हैं, स्वरूप में क्यों दिखा रहे हैं। तो मेरा उन सभी से भी ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरु रविदास जी तो सबके हैं ना। गुरु रविदास जी किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, किसी एक उसके नहीं है, वो पूरे सर्व समाज के हैं। उन्होंने जो संदेश दिया, भाईचारे का जो संदेश दिया, इंसानियत का जो संदेश दिया, वो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए उनका संदेश। और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई। तो मेरी तो उन सभी लोगों से भी हाथ जोड़ के ये विनती है जो आज इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं कि हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे, क्योंकि आपने गुरु रविदास जी को स्वरूप में दिखाया। तो स्वरूप में दिखाना कोई, जब तक हम गुरु रविदास जी को दिखाएंगे ही नहीं तो उनकी शिक्षा को लोगों को पता कैसे लगेगा कि गुरु रविदास जी कौन थे। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, संत के ऊपर ये मूवी बनाई गई है और आज के जनरेशन में जितनी भी मूवीज़ बनती है वो सारी कमर्शियल्स मूवीज़ होती हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि जो आज की जनरेशन में हो रही है और पहले भी होती आई है, ऊंच नीच, जात पात, बड़ा छोटा, इन सब चीज़ों को देखकर संत रविदास ने एक स्टेप लिया था और वो चीज़ की ज़रूरत आज है हमारे हिंदुस्तान में। और ये मूवी बिल्कुल राइट टाइम पे रिलीज़ हो रही है, क्योंकि अगर ये मूवी इस ऑडियंस के पास जाती है जो इशू चल रहे हैं हमारे इंडिया में, दिल्ली में, हर जगह पे, उससे ये बहुत हद तक रिलेट होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बंदे को देखना चाहिए उनकी ज़िंदगी में। हर एक लेवल पर आप फेस किए होंगे ये चीज़, कोई कास्ट को लेकर, कोई जात को लेकर, और कभी कभी हम लोग धर्म को लेकर भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है और बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है 7 फरवरी को। तो सभी जाएं और अपनी फैमिली के साथ देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, जो आप कमर्शियल मूवीज़ नहीं देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते, बट यहाँ आप सब जाके देखें और इन्जॉय करें और कुछ ले कर जाएं अपने घर। एक अच्छा मैसेज। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था सर, अभी भी जो है हम उस चैलेंज से उभर नहीं पाए हैं। होता क्या है एक्टिंग में कि आप जब एक्ट करते हैं तो सामने वाले की बात पर रिएक्ट करते हैं, आपको डायलॉग रजिस्टर करना है, एंगर रजिस्टर करना है, तभी वो बात ऑडियंस तक पहुंच पाती है। अब यहाँ ये ऐसे सहज और सरल कैरेक्टर को जब आप निभाते हैं तो आप वो रिएक्शन वैसे नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल कैरेक्टर्स में करते हैं, मगर फिर भी उसको जीना है और उस इमोशन को ठीक से पोर्ट्रे करना है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य था कि आप नॉर्मल पैरामीटर्स में एक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन उस मैसेज को बड़े स्ट्रॉन्गली ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। तो दिस वाज समथिंग दैट आई आल्सो एंजॉयड, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी एज एन एक्टर। राइट, ऐसी कोई चीज़ है जो रविदास जी के जीवन से आप अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए? हर चीज़ सर, हर चीज़। जो व्यक्ति बड़ा सरल होता है, बहुत सहज होता है, कई बार क्या होता है कि लोग उसको उस तरह से नहीं आंकते जिसका वो हकदार होता है। आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि बड़े बड़े एक्टर्स पब्लिसिटी और बहुत चीज़ों के दम पे आगे निकल जाते हैं, कई सारे लोग जो ये कार्य नहीं कर पाते वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रविदास जी इतने सहज और सरल थे, उनका मैसेज भी इतना सरल था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं सुना हो, और इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो हृदय की पवित्रता मेंटेन रखना, इंसान को इंसान के रूप में देखना, कोई भेदभाव पर यकीन नहीं करना,
और संवैधानिक और कानूनी तरीके से हम जिन चीज़ों को निपटाना चाहते हैं उसको बड़ी आसानी से आध्यात्मिकता के ज़रिए आप निपटा सकते हैं अगर आपको उन रूहानी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। तो यही रविदास जी का संदेश है, यही रविदास जी ने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया 650 साल पहले, और इसी संदेश को हम आगे ले जाने का प्रयास इस फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं।